हिसाब से वो आंकलन करें। पर एक बात को सर मैं बहुत विनम्रता से और प्रमुखता से मैं कहना चाहूंगा कि अभिव्यक्ति की आजादी का मतलब देश विरोधी ताकतों की आवाज बनना कतई नहीं हो सकता है। बोलने की आजादी का मतलब विभाजनकारी तत्वों की आवाज बनना सर कभी नहीं हो सकता है। हकीकत यह है सर कि 2014 में देश ने पहली बार एक ऐसा चुनाव देखा जहां पर जात पात धर्म मजहब से उठकर देश ने पूरी तरीके से हमारी केंद्र की सरकार, हमारी एनडीए की सरकार, हमारे आज के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के विकास के एजेंडे को, उनके डेवलपमेंट के एजेंडे को उन्होंने समर्थन दिया। नमस्कार, एक न्यूज 24 देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ शिवानी। साल 2020 लोजपा रामविलास के अध्यक्ष चिराग पासवान उस वक्त सीए पर विपक्ष के तमाम नेताओं को कांग्रेस को धूल चटाई थी। आज वो सुर्खियों में बने हुए हैं। जी हां, चिराग पासवान की का नाम सिर्फ बिहार तक ही सीमित नहीं रहा बल्कि देश भर में चिराग का नाम अब चर्चा का विषय बन गया है। जी हां, बता दें आपको कि साल 2020 में चिराग पासवान एक लौते शख्स बने थे जब पीएम मोदी के लिए अपनी आवाज को बुलंद किए थे। भरे संसद में चिराग पासवान ने पीएम मोदी की तारीफ तो की ही, लेकिन विपक्ष को भी धूल चटा दी। चिराग पासवान ने साफ साफ कहा था कि 2014 में देश की जनता ने एक ऐसे प्रधानमंत्री को दिया है जिसने जात पात धर्म मजहब से उठकर देश के विकास और विकास के एजेंडों पर काम किया है। ये कहना गलत नहीं होगा कि कम और ज्यादा कामों पर अक्सर पक्ष हो चाहे विपक्ष हो आवाज उठाते हैं, बातों को रखते हैं, संसद भवन में इस पर चर्चा भी होती है। लेकिन 2014 में जब नरेंद्र मोदी सरकार में आए तब 5 साल बाद उन्होंने ऐसा कोई काम नहीं किया, ये नामुमकिन है। और विपक्ष पर आरोप लगाते हुए उस वक्त चिराग पासवान ने बड़ी निडरता के साथ कहा था कि विपक्ष जो है विभाजनकारी मुद्दों को बढ़ावा दे रही है। चिराग पासवान ने पीएम मोदी के सपोर्ट में आकर और सीए के सपोर्ट में आकर साफ साफ कहा था कि अभिव्यक्ति की आजादी कतई ये नहीं हो सकती है कि आप विभाजनकारी मुद्दों पर आवाज बुलंद करें, और अभिव्यक्ति की आजादी ये नहीं कहती है कि आप सत्ता के विश्वास को इस तरीके से चोट पहुंचाए जिसका हित जनता के लिए ही साबित होता है। देखिए, चिराग पासवान ने जिस तरीके से निडरता के साथ 2020 में संसद भवन में अपनी बातों को बुलंद करते हुए कहा था कि देश के तमाम जनता नरेंद्र मोदी को पसंद की है और यही वजह है कि नरेंद्र मोदी 5 साल में जात पात धर्म मजहब से उठकर विकास के नाम पर आगे बढ़े हैं। और वैश्विक स्तर पर चिराग पासवान ने पीएम मोदी का नाम लेकर यह कहा कि आज एक नाम जो सबसे चर्चा में बना हुआ है वो है पीएम मोदी, यानी कि हमारे नरेंद्र मोदी, जो कि वैश्विक स्तर से भारत को जोड़ने का काम किए हैं। यही वजह थी कि 2020 में चिराग पासवान का एक वीडियो क्लिप उस वक्त भी वायरल हो रहा था, लेकिन जब से चिराग पासवान ने लोकसभा 2024 के चुनाव में 100% स्ट्राइक के साथ जीत हासिल की है, तब से चिराग पासवान की कई पुरानी तस्वीरें, कई पुराने वीडियोस क्लिप भी वायरल हो रहे हैं और जनता बखूबी प्यार और आनंद के साथ देख रही है। यही वजह है कि चिराग पासवान को आज पूरे देश भर में प्यार मिल रहा है, उनकी लोकप्रियता बढ़ती जा रही है। बता दें आपको 2020 का एक वीडियो क्लिप जो कि संसद भवन में चिराग पासवान ने खड़े होकर विपक्ष को आड़े हाथ लेते हुए विपक्ष पर आरोप लगाया था कि विपक्ष विभाजनकारी मुद्दों को बढ़ावा देती है और कांग्रेस की सरकार ने अक्सर यही मुद्दा को हवा दी है और यही वजह है कि आज हमारे विकास के दृष्टि से बिहार और तमाम देश के हर राज्य जो है वैश्विक स्तर तक नहीं पहुंच पाए हैं। लेकिन चिराग पासवान को उस वक्त यानी 2020 की अगर बात करें तो पीएम मोदी के
के लिए वो इतने खास नहीं बने थे और पीएम मोदी का इस कदर चिराग पासवान को लेकर प्यार झलका भी नहीं था। लेकिन जब चिराग पासवान ने भरी सभा में खड़े होकर पीएम मोदी के लिए आवाज बुलंद किए, तब पीएम मोदी ने हैरानी के साथ चिराग पासवान की पीठ थपथपाई थी। उन्होंने कहा था कि आपकी बातों को सुनकर आश्चर्य तो हुआ ही, लेकिन सबसे अच्छा भी लगा। चलिए चिराग पासवान की वो वीडियो क्लिप दिखाते हैं जो 2020 की तो जरूर है लेकिन अभी काफी वायरल हो रही है और जनता खूब प्यार भी लुटा रहे हैं। हिसाब से वो आंकलन करें, पर एक बात को सर मैं बहुत विनम्रता से और प्रमुखता से मैं कहना चाहूंगा कि अभिव्यक्ति की आजादी का मतलब देश विरोधी ताकतों की आवाज बनना कतई नहीं हो सकता। बोलने की आजादी का मतलब विभाजनकारी तत्वों की आवाज बनना सर कभी नहीं हो सकता। हकीकत यह है सर कि 2014 में देश ने पहली बार एक ऐसा चुनाव देखा जहां पर जात पात धर्म मजहब से उठकर देश ने पूरी तरीके से हमारी केंद्र की सरकार, हमारी एनडीए की सरकार, हमारे आज के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के विकास के एजेंडे को, उनके डेवलपमेंट के एजेंडे को उन्होंने समर्थन दिया और उससे बढ़कर समर्थन उन्होंने 2019 में दिया, क्योंकि पिछले 5 साल में जो बातें हम लोगों ने कही कहीं ना कहीं वो धरातल पर उतरी। कम ज्यादा पे जरूर हम लोग बहस कर सकते हैं, पर कोई ये बोले कि पिछले 5 सालों में कोई विकास का कार्य नहीं हुआ तो इस बात को कतई कोई मानने के लिए तैयार नहीं होगा। पर हकीकत यह भी है सर कि जहां इस कार्यकाल में एक के बाद एक लंबित पड़े हुए विवादित मसले जिसके ऊपर निरंतर राजनीति होती रही, चुनाव होते रहे, धारा 370 की बात हो, 35A की बात हो, या राम मंदिर का मुद्दा हो, या फिर असम में इतना बड़ा मुद्दा, जब मैं बचपन से मैं उस बात को सुनता आ रहा हूं, बोरोलैंड का इतना बड़ा विषय वहां पर चल रहा था, तमाम इन विषयों को सुलझाया गया उसका परिणाम यह हुआ कि कहीं ना कहीं विपक्ष में इस बात को लेकर एक बौखलाहट भी शुरू हुई, क्योंकि अब विभाजनकारी जितने मुद्दे थे, अराजकता फैलाने वाले जितने मुद्दे थे, वो सरकार के द्वारा उसको समाधान उसका कर दिया गया। अब इनके पास वो मुद्दा नहीं है, तो मुद्दा क्या उठाया गया? सीए का मुद्दा उठाया गया। यहां पर बैठा हर एक जानकार शख्स इस बात को अच्छी तरीके से जानता है कि सीए का भारत में रहने वाले नागरिकों से कुछ लेना देना नहीं है, उसके बावजूद भी इस पर भ्रम फैलाया जाता है। निरंतर हम लोग कह कहकर थक गए और जो इनको पता भी है, ये खुद जानते हैं कि भैया ये नागरिकता देने वाला कानून है, नागरिकता लेने वाला कानून नहीं है। 1955 में नागरिकता का ये कानून बना, सिटीजनशिप का ये एक्ट बना, उसके बाद सही है कि 2003 में इसमें संशोधन हुआ, एनपीआर को इसमें जोड़ा गया, पर हकीकत ये भी है कि 2010 में मनमोहन जी की सरकार में, उस वक्त के वहां के वित्त मंत्री चिदंबरम जी के समय में, उस वक्त इसमें संशोधन कर इसमें एनआरसी को जोड़ा गया, एनआरसी का प्रावधान उस वक्त लाया गया और उसको मैंडेटरी किया गया, तो उस वक्त तो किसी ने आवाज नहीं उठाई, उस वक्त किसी की चिंताएं नहीं जागी, पर अब क्योंकि वापस से तमाम विवादित मुद्दे खत्म हो गए हैं, तो किसी तरीके से इसको कानून को नागरिकता देने का ये कानून है, वहां के अल्पसंख्यक समुदाय के लोगों को नागरिकता देने का कानून है, पर उसके बावजूद भारत में रहने वाले अल्पसंख्यक समाज के लोगों को जिस तरीके से इसमें भ्रमित किया जा रहा है, उनको भड़काया जा रहा है, और मासूम है वो, हकीकत है सर मासूम है वो, उनको आप जो बात जैसे जाके जो बोल रहे हैं वो उस बहकावे में आ रहे हैं। निरंतर हम लोग हर मंच, और ये कहीं ना कहीं विपक्ष की भी जिम्मेदारी बनती है कि आप देश को आप इस तरीके से जला नहीं सकते हैं। और सर इतिहास देखिएगा, हाथ कंगन को आरसी क्या सर, साल दो साल तीन साल में पता चल जाएगा कि किसकी नागरिकता छीन ली, पर उस वक्त जब ये बात स्पष्ट होगी कि इस कानून से किसी की नागरिकता नहीं गई, तो उस वक्त इतिहास इन लोगों को और ऐसे राजनीतिक दलों को और ऐसे राजनीतिक नेताओं को कभी माफ नहीं करेगा जिन्होंने देश में आगजनी और अराजकता का माहौल बनाया। सर एनपीआर की बात है, एनपीआर में हम लोगों की भी चिंता है, हम लोग गए थे गृह मंत्री जी से, हम लोगों ने चिराग पासवान राज्य स्तर से उठकर कैबिनेट तक पहुंच चुके हैं। चिराग पासवान का जो सपना है कि अपने पिता रामविलास के अधूरे सपनों को पूरा करें और बिहार को फर्स्ट पोजीशन पर लेकर आए। हालांकि चिराग पासवान की लोकप्रियता दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है और बिहार के तमाम जनता जो है वो अब उन्हें सीएम पद तक देखना चाहते हैं, और इसीलिए इस बात को हवा भी दी जा रही है कि चिराग पासवान जल्द ही सीएम बनेंगे। हालांकि आपको क्या कुछ लगता है कि चिराग पासवान बिहार के राजनेता के रूप में कैसे साबित होंगे, कमेंट बॉक्स सेक्शन में लिखकर जरूर बताएं। इस वीडियो को आप हमारे यूट्यूब चैनल एक न्यूज 24 पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो फेसबुक पेज को लाइक कीजिए, फॉलो कीजिए। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में नए मुद्दे के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।